Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Monu. गिफ्ट कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन इतना पढ़ा लिखा करके बना दिया अभी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अच्छा। आज तुम और मोनू किसी भी जगह खड़े हो जाते हो और अंग्रेजी हिंदी जो भी चीज बोलते हो या करते हो जहाँ भी वह निर्जा का ही गिफ्ट है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में जी। आज हमारे भाई का है जन्मदिन और जब भी हम लोगों का जन्मदिन आता है माँ जरूर मंदिर जाती है, तो माँ को अभी लेकर के जा रहे हैं शिव मंदिर और चलिए माँ को वहाँ पर पूजा करवा देते हैं। तो माँ को ले आए हैं जी मंदिर, माँ अंदर गई है पूजा करने, हम बाहर में इंतजार कर रहे हैं। हम भी पूजा करके बाहर आ चुके हैं, माँ को थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में और साथ में और भी कुछ मोहल्ले की जो भी आंटी हैं वो सभी उनको मिल गई है, तो सभी साथ मिल करके कर रहे हैं पूजा। तो माँ आएगी फिर लेकर के चलते हैं उनको घर जी। माँ को तो पूजा करवा करके आ गए हैं और इधर जो है हमारे भाई साहब भी आ चुके हैं जो हमारे घर में हमेशा डेकोरेशन का काम जो है वही करते हैं। पिछले लगता है कि शायद 4-5 बार से उन्हीं को बुला रहे हैं और इनका काम अच्छा लग रहा है। जी सारा डेकोरेशन हो चुका है पूरा, आप यहाँ पर सारा डेकोरेशन देख सकते हैं जी। अब इसके बाद तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, अभी बर्थडे पार्टी भी करना है। भाई को क्या गिफ्ट मिला है इस बर्थडे में, तो जिया ने भाई का बहुत दिन से डिमांड था कि वह चाहिए, तो जिया ने आज फाइनली खरीद लिया है और उम्मीद करते हैं जी भाई को पसंद आया होगा और आपको भी पसंद आएगा। तो बाकी जी तब जल्दी से तैयारी करते हैं जी। हम तो हो गए तैयार और पत्नी महारानी अभी भी हो रही है तैयार। पत्नी महारानी को थोड़ा बहुत तो समय लगता ही अगर ये डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि आईलाइनर लगा रही है, पर ही क्रिटिकल काम होता है, कम से कम 2-3 बार तो हम धारण सुन ही चुके हैं, इसलिए इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि फिर हमें कोई धारण मिल जाए। चलिए चल करके देखते हैं मम्मी और मौसी क्या कर रही है। तो यहाँ मोलू भी आ चुका है और सभी लोग अब तैयार हैं, मम्मी का इंतजार है और मौसी की मौसी अंदर है और डैडी यहाँ, तो डैडी भी हो गए तैयार। तो पर डैडी को लगभग सभी लोग तैयार हो गए, डैडी वहाँ पूजा कर। अच्छा, इस पार्टी के बाद ही हमें एक और पार्टी में जाना है, इसीलिए हम लोग जल्दी में हैं। एक बार जरा देख लेते हैं जी डेकोरेशन वाले भैया ने कैसा डेकोरेशन किया, चलिए देख लेते हैं। मौसी भी जी हो गई है तैयार और सभी लोग अब लगता है रेडी हैं। आज हमारे जीजा जी का भी बर्थडे है, अगर आपने सरप्राइज वाला अगर व्लॉग देखा होगा जो इस वीडियो से पहले आया हुआ है तो आपने जाना होगा कि आज हमारे जीजा जी का भी बर्थडे है, तो उनको एक बार फिर से यहाँ से विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे जीजा जी और उम्मीद करते हैं आपका भी आज दिन मस्त होगा, जबरदस्त होगा। तो अब इस केक को निकालते हैं जी और शुरू करते हैं इस बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन। जी केक हो चुका है तैयार, सारा कैंडल भी जल चुका है और ज्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेशन को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
बर्थडे डियर मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हम मोनू बोल रहे हैं, मेरे भाई का निकनेम है मोनू, वैसे ऑफिशियल नेम इसका अभिषेक। जैसे कि मेरा ऑफिशियल नेम आप चैनल पर देख रहे होंगे शाश्वत, लेकिन हमारा निकनेम है सोनू। तो दो भाई हैं, सोनू और मोनू। तो अब यहाँ जी केक काट रहा है। केक कोई लगाए नहीं है, लगिए नहीं रहे बर्थडे हुआ है। हाँ ये हुआ कि सही है, सही हो गया, हल्दी चंदन हो गया। तो हो गया जी बर्थडे सेलिब्रेशन। अब माँ जो है टीका लगा रही है, दीदी भी लगाने जा रही है टीका। कुछ कहना चाहेंगे दीदी, आज बेटे का जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कहाँ के लिए आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद हमेशा दिया हुआ है। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। जो पहला जन्मदिन में ये बहुत बीमार रहता था, हम मना नहीं पाते थे सोच कर भी। अच्छा। आज हम उसके पत्नी के साथ मना रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें हम गुब्बारा उड़ा रहे हैं। वाह बढ़िया। हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि संसार में जितने भी अच्छे सबका बेटा का 100वां जन्मदिन हो। अच्छा। खूब खुश रहो, मस्त रहो, वर्तमान में गिफ्ट कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ा लिखा करके बना दिया, अभी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अच्छा। आज तुम और मोनू किसी भी जगह खड़े हो जाते हो और अंग्रेजी हिंदी जो भी चीज बोलते हो या करते हो जहाँ भी, वह निर्जा का ही गिफ्ट है। अच्छा, बिल्कुल। सहयोग श्याम देवराय का है। अच्छा। इसलिए तो हम गिफ्ट देने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन महादेव का हम पूजा करते हैं, उनके चरण में हमेशा आप लोगों के दुआ ऐसा मांगते हैं कि सात पीढ़ी पर आशीर्वाद बना रहे। एक जन्मदिन का पार्टी मना करके एक बड़ा पार्टी में जा रहा है, इसलिए शाश्वत को बहुत तेजी है कि ताकि हम डैड के साथ अच्छा भोज खाने जाएं। और जिया जी अपने देवर को दे रही है गिफ्ट, और यह गिफ्ट क्या मिला है आज अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, इसका एक प्रॉपर एक वीडियो लेते आएंगे। और अब ऋतु दे रही है मोनू को गिफ्ट। मोनू को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। हाँ। लेकिन खोलेंगे देखेंगे आखिर दिया क्या। वाह बढ़िया। ये तुम पापा से ऐसे भी लेते रहते हैं। पापा जब जॉब करते थे तो हमको ध्यान है कि मोनू हमेशा हर महीना कुछ ना कुछ मंगाया रहता था। फोन में रिचार्ज जरूर करवाते थे पापा से। पापा से और डैडी से लिया नहीं जाएगा। हाँ। आप लोग उस लायक बना दिया गया है। हाँ। मम्मी पापा और दीदी डैडी को दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दिया जाएगा। जी हो गया यहाँ का सेलिब्रेशन। अब हमें और पापा का जो है एक जगह जाना है। पापा के एक शायद दोस्त है, उनके शायद किसी बेटे या किसी की शादी है, मुझे ध्यान नहीं है कौन है वो। उन्हीं का शादी है। अच्छा। में पेशकार है। हाँ। और इसी माध्यम से हम अपने परिवार से भी अपने बेटा के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ, जहाँ भी हो हमारे बेटा का आप लोग आशीर्वाद दीजिए। चलिए जी ठीक है, तो चलते हैं उस पार्टी में। 2 hours later जी हम आ गए पार्टी से, और पार्टी में जी हम तो खा लिए, पापा वहाँ पर खा नहीं पाए, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था। और हमें भी पता नहीं था कि पापा नहीं खाए हुए हैं। ये तो खा लिए, पापा को छोड़ दिए।
नहीं, हमको लगा कि सारे दोस्त सबके साथ थे, ये ग्रुप है तो अच्छा नहीं लग रहा था सारे सीनियर लोगों के बीच में रहने का, अंकल सब थे तो इसलिए हम चले गए अपना अलग से खाने के लिए। तो पापा अगर हमको बता दिए होते तो उनके लिए हम लाइन में लग जाते, फिर हम दोबारा लाइन में लगने जा रहे थे, पापा ये मना कर दिया रहने दो बहुत लंबा लाइन है, फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा समय हो जाएगा। फिर इसी बीच में पता चला क्या कि जिया लोग जो है यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना सब बना करके रखी है, तो जिया बना रही थी। पता है जब ये जा रहे थे तो क्या बोल रहे थे, अच्छा तुम लोग घर में खाओ ना खाना, हम तो जा रहे बहुत अच्छा खाना खाने के लिए पार्टी में। तो ये लोग भी घर में जी अच्छा खासा आइटम बना करके रखी थी, और पापा को उन सब आइटम में एक आइटम मालूम चल गया, मेथी का पराठा, डैडी को तो, बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ जी, तो डैडी बोले छोड़ो यहाँ नहीं खाना, अब घर चल करके ही खाते हैं, वहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। पता चल गया कि मेथी का पराठा घर में बना है, डैडी बोलते हैं चलो अब घर चलते हैं, फिर यहाँ करके डैडी को बना के खिलाए हम लोग। हाँ जी, तो कुछ ऐसा रहा आज का हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, और कुछ ऐसा रहा आज हमारा पार्टी। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, छोटी सी पार्टी थी अपने फैमिली में लेकिन बहुत एंजॉय की। और कल जो है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का वीडियो आ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।